नमस्ते दोस्तों, तो चलिए आज हम बनाएंगे जीविकंद की कोफ्ता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम बनाएंगे जीविकंद का कोफ्ता, तो चलिए पहले सरसों का तेल लगाएंगे हाथ में, उसके बाद जीविकंद को छील लेंगे। जीविकंद को हम काट लेंगे। ये मैंने सारे जीविकंद को काट लिया हूँ, अच्छे तरह से धो भी लिया हूँ, तो चलिए अब कुकर में ऐड कर देती हूँ। जीविकंद का कोफ्ता इतना टेस्टी लगे। मैंने जीविकंद को उबाल लिया हूँ कोफ्ता बनाने के लिए। एक तेज पत्ता, एक प्याज काट के लिया हूँ, दो सूखी मिर्च, दो टमाटर, यहाँ पर हमने चार हरी मिर्च लिया हूँ, थोड़ी सी लहसुन भी कर लिया, एक टुकड़ा अदरक, दो प्याज काट के लिए हूँ पीसने के लिए, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च और एक चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच नींबू का रस, चार चम्मच बेसन। तो चलिए कोफ्ता बनाने के लिए हम जीविकंद को सान लेंगे, उसके बाद हम कोफ्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जीविकंद को मिला लूँगी, हाथ से सान रही हूँ। बेसन, नींबू का रस, उसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, बिल्कुल हल्के से जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च। चलिए इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, इसके बाद हम कोफ्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, चलिए अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अच्छी तरह से मिला लिया हूँ, तो चलिए इसका गोल गोल कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, चलिए इसके गोल गोल कर लेती हूँ। देखिए गोल गोल कर लिया हूँ, तो सारे ऐसे गोल गोल कर लूँगी। और जीविकंद को गोल गोल कर लिया हूँ, तो चलिए अब तल लेते हैं। तेल चढ़ा दिया हूँ, तेल हमारा गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम जीविकंद को फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, चलिए जीविकंद कोफ्ते को ऐड कर रही हूँ। ऐसे करके सारे कोफ्ते को तल लूँगी। जब एक तरफ पक जाएगा फिर हम कोफ्ता को घुमा लेंगे। एक तरफ हमारा कोफ्ता पक चुका है, तो चलिए इसको घुमा देती हूँ। घुमा दिया हूँ, गोल्डन कलर का कोफ्ता को हम बनाएंगे। हमारा भून चुका है, गोल्डन कलर का हो चुका है, तो चलिए अब सारे कोफ्ते को निकाल लेते हैं। अब ऐसे करके सारे कोफ्ता को हम तल लेंगे। सारे कोफ्ते को तल लिया हूँ, तो चलिए इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्याज, जो सूखी मिर्च और तेज पत्ता लिया था उसको ऐड कर दिया हूँ। तेज पत्ता अच्छे तरह से भून लूँगी, उसके बाद हम जो अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज को पीस के रखती हूँ उसको ऐड करूँगी। गोल्डन कलर का हो चुका है, चलिए अब उसमें हम मसाला को पीस करके मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे, दिया हूँ, तो चलिए इसमें जो मसाला दिए तो हमें मसाला ऐड कर दी गई हूँ। स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि हमने कोफ्ता में मसाला ऐड किया हूँ, इसलिए नमक भी स्वाद अनुसार ऐड करूँगी। और टमाटर ऐड कर लेती हूँ, तो चलिए मसाला को अच्छी तरह से भून लेते हैं, जब तक हमारा मसाला में तेल ना छोड़ना है। इधर हमारा मसाला भून चुका है, तो चलिए पानी ऐड कर देती हूँ। कितना सुंदर देखिए मसाला का कलर भी हुआ है, तो थोड़ी सी पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड कर दिया हूँ, तो चलिए थोड़ी सी खोला लेते, जब हमारा पानी में खोल आ जाएगा उसके बाद हम कोफ्ते को ऐड कर दूंगे। कोफ्ते को फ्राई कर लिया हूँ, ये फ्राई करते करते इतनी टेस्टी लगते कि बच्चे ऐसे ही खा लेंगे। मेरा नौ ही कोफ्ता बचा है, तो चलिए इसी का मैं सब्जी बना लेती हूँ। खोला गया है, तो चलिए कोफ्ते को ऐड कर देती हूँ।
गैस हमारा हाई में है तो मैं इसको स्लो कर देती हूँ और ढक के 2-3 मिनट के पका लेती हूँ। कोफ्ता को 2-3 मिनट के लिए ढक के स्लो फ्लेम में पका लिया हूँ। हमारा कोफ्ता की सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार, कितनी सुंदर बनी है। चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं। हमारा जीविका कोफ्ता बिल्कुल बनकर तैयार, कितनी सुंदर बनी है, खाने में बहुत टेस्टी है।